मैं सिंड्री सनशाइन हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उस लड़के में पावर्स हैं। हम पावर से अच्छे काम करते हैं बुरे और अगर वो अच्छे बुरे का फर्क ना जानता हो तो हम दोनों में काफी कुछ कॉमन है। एसी, मैंने झूठ कहा, तुम मेरी तरह अलग नहीं हो, तुम्हारे दोस्त हैं। ये तुम्हारे सर नहीं आना चाहता। कुछ करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। आप आ गए। तुम दोनों ठीक हो? हट जाओ। क्या बात है, ये इतना ताकतवर नहीं। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो खुद ही देख लो। उठने की कोशिश मत करो। चलो सैम, चले, हमें जरूरी काम करने हैं। सैम, रुक जाओ। वो कहाँ गए? ये अच्छा नहीं हुआ। Start to send you a dot to lightspot.in. अब हमें एक नया प्लान चाहिए। एसपीडी पेट्रोल साइकिल। बाल बाल बच गए। हमें सैम को ढूंढना होगा। खेलते खेलते बोर हो गई हूँ। इनके साथ कोई मजा नहीं। तुम किसके साथ खेलोगी? किसी मजेदार चीज के साथ, जैसे एसपीडी डॉल। एसपीडी डॉल? वो एसपीडी लड़की याद है? तुम उसे आसानी से फंसा सकते हो। फिर बगल वेयर उसे डॉल बना देगा जिसके साथ हम खेलेंगे। ला ला ला। पता नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। रही हूँ, पता नहीं और कितनी देर तक पकड़ कर रख सकती हूँ। मुझे बचाओ।
मैं आ रहा हूँ। हे ब्रिज, हे। यकीन नहीं होता कभी ये इंसान थे। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब डॉल हाउस में रहने लगेंगे। मुझे डॉल हाउस पसंद है। सॉरी। अब हमारा पाला ऑरेंज हेड रोबो से है जो खतरनाक है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। हम उस घाटी से गिरते गिरते बचे थे। मेरी बात मानो, सैम ही इसका हल है। पता नहीं जी, वो और मॉन्स्टर काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। कहते हुए अफसोस है, पर स्काई ने ठीक कहा। ब्रिज, तुम इन मामलों में अच्छे हो, तुम क्या कहते हो? शायद वो सोचता है कि हम क्या सोच रहे हैं, मतलब जो हमें सोचना चाहिए था, मतलब जो हम सोच रहे थे। ठीक मतलब... है, समझ गए। ऐसी पावर्स का क्या फायदा जिनसे किसी की मदद ना की जा सके? तुम इसे जाती तौर पर क्यों ले रही हो जी? क्योंकि सैम को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। हाँ, सबसे अलग होकर जीना आसान नहीं। बचपन की उन यादों को मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ जब मैं 12 साल की थी। चलो जल्दी ब्लैक बोर्ड के पास आओ। मैं बहुत गरीब घर से थी और शर्मीले स्वभाव की थी। बच्चे जानते थे मैं अलग थी। वो पत्थर दिल थे, मुझे बुद्धू और मॉन्स्टर कहकर पुकारा करते। मैं बहुत छोटी थी, मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ तो मैंने वही किया जो कर सकती थी, खुद का रूप बनाया और वहाँ से निकल पड़ी। मैं स्कूल से भाग गई। तब तक भागती गई जब तक भागते भागते थक नहीं गई। फिर मैंने देखा कि मैं अकेली हूँ और एक डरावना सा प्राणी मेरी तरफ आ रहा है। तभी मैंने धमाके की आवाज सुनी, अपनी आंखें खोली तो वो प्राणी भाग रहा था और दूर अंधेरे में कोई खड़ा था, उसके पास लेजर था। इस हादसे में मेरा जी नेकलेस टूट गया। डर के मारे मैंने उसे नहीं उठाया। मैंने ऐसी डरावनी कहानी आज तक कभी नहीं सुनी। हाँ, अगर